हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और अपडेट में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं तुनिशा केस के बारे में। आपको बता दें, तुनिशा केस में एक अहम अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। खबरों की माने तो तुनिशा केस में शिजान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई फिलहाल टल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब उनकी जमानत की सुनवाई 9 जनवरी को होगी। हाँ, आपको बता दें कि तुनिशा ने शूटिंग के दौरान 24 दिसंबर 2022 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में उनके को-स्टार शिजान खान पर तुनिशा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। ये आरोप तुनिशा शर्मा की मां वनिता शर्मा ने लगाया था। इस मामले में शिजान के वकील का कहना है कि शिजान पूरी तरह से निर्दोष है और पुलिस ने उन्हें आनन फानन और मीडिया के दबाव में आकर अरेस्ट किया था। दोस्तों आपको बता दें, तुनिशा महज 20 वर्ष की थी। 24 दिसंबर 2022 को उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आपको बता दें कि तुनिशा ने बहुत सारे टीवी सीरियल्स और फिल्मों में काम किया था। जी हाँ, फितूर मूवी में उन्हें छोटी कैटरीना का किरदार निभाया था, जिसकी वजह से उनको छोटी कैटरीना भी बुलाया जाता है। तुनिशा ने विद्या बालन की मूवी कहानी 2 में भी अभिनय किया था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एकदम से तुनिशा को क्या हुआ, अब इसकी गुत्थी तो अभी सुलझनी बाकी है दोस्तों। और लगता है कि अभी इस मामले में बहुत कुछ सामने आना बाकी है। इस मामले का मुख्य आरोपी बनाया शिजान अभी जेल में है और उनकी जमानत याचिका की अगली सुनवाई फिलहाल 9 जनवरी को वसई कोर्ट में होगी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलिए मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।